मानुषिक भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्रीमती अमरा गुप्ता जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, मेरे साथी अधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, देसी शिक्षा परिवार से जुड़े हुए समस्त शिक्षकगण, बीएसएस और दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए और आज के इस कार्यक्रम को जोर देने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे छात्र एवं छात्राएं, सर्वप्रथम आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अनोखा दिन होता है ये, जब हम बच्चों की ओर ध्यान देते हैं। ध्यान तो हमें हर साल देना चाहिए, हर दिन देना चाहिए साल के, और हर समय देना चाहिए। और खासकर बेसिक शिक्षा परिवार की अगर बात करें तो उनका दायित्व और कर्तव्य है कि हर तरह से बच्चों की प्रतिभा में निखार आए। हर विद्यालय में ये प्रयास होने चाहिए कि किस तरह हर विद्यालय से हम अच्छे नागरिक समाज को दे सकें। अगर हम सरकार की योजनाओं की बात करें तो सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है कि हम न केवल अपने विद्यालयों का कायाकल्प कर सकें बल्कि वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता को भी बेहतर से बेहतर कर पाए। मौजूदा सरकार ने इस बात पे हमेशा जोर दिया है कि किसी भी कीमत पर गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे वो यूनिफॉर्म की गुणवत्ता हो, जूतों की गुणवत्ता हो या मिड डे मील के खाने की गुणवत्ता हो। लगातार जोर इस बात का रहता है कि न केवल शिक्षक स्कूल जाएं, बच्चों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ये सारी चीज़ें निःशुल्क प्राप्त हों बल्कि उनकी शिक्षा में भी बढ़ोतरी हो, गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो और लगातार उसके परिणाम समाज के सामने आए। आज के इस दिन अगर हम जनपद हरदोई की बात करें तो अभी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पिछले साल हम लोगों ने जो उपलब्धियां हासिल करी उसको गिनाया, मैं उसके लिए पूरी बेसिक शिक्षा टीम को बधाई देता हूँ। ये उनका निरंतर मेहनत, उनके अध्यापकों की निरंतर मेहनत, हमारे बीईओस की निरंतर गाइडेंस, पर्यवेक्षण, उसी के कारण संभव हुआ है कि हमने पिछले साल प्रदेश स्तर पे तमाम योजनाओं में और तमाम तरीके से एक अच्छा स्तर हासिल किया। लेकिन जैसे मेरा कहना हर मीटिंग में रहता है और ये बीईओस अच्छे से समझते होंगे कि हमेशा सुधार की गुंजाइश और रहती है। किसी भी चीज़ में अगर हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा ऐसी गुंजाइशें रहती हैं कि हम उसको कैसे और बेहतर कर सकें। अगर हम बेसिक शिक्षा की बात करें तो तमाम तरह की अभी भी हमें कमियां दिखती हैं, लेकिन जहां एक तरफ कमियां हैं वहीं दूसरी तरफ दृढ़ संकल्प है, हौसला है। और आज हमने कोशिश करी है कि उन अध्यापकों को भी सामने लाया जाए। कतिपय कारणोंवश हम लोग शिक्षक दिवस को इस वृहत रूप में नहीं मना पाए थे, लेकिन आज इस संयुक्त कार्यक्रम के जरिए हम कई नई चीजें जनपद के सामने ला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जोर रहता है कि किस तरह हम लोग डिजिटल इंडिया में भी आगे बढ़ें। मैं बधाई देना चाहूँगा बेसिक शिक्षा परिवार को कि आज बेसिक शिक्षा का अपना यूट्यूब चैनल और अपना फेसबुक पेज लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि इस फेसबुक पेज पे आम तरह के मैसेजेस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून की जगह गुणवत्ता की चीजें शेयर करी जाएं। ये फेसबुक पेज उस तरह का पेज बने जहां पे अच्छे कार्यों को हम एक दूसरे से साझा कर सकें। प्रयास यही रहता है कि आपके बीच में ही कुछ शिक्षक बहुत ही उत्तीर्ण काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी लोग खराब काम कर रहे हैं, पर बाकियों के कार्य में गुंजाइश है कि वो अपने कार्य को अपने साथी अधिकारियों से, अपने साथी शिक्षकों से सीख कर उसको बेहतर बना सकें। ये फेसबुक पेज उसका एक जरिया बन सकता है। ये फेसबुक पेज सूचना आदान प्रदान का भी एक जरिया बन सकता है। विभाग का कोई नया शासन आदेश आए, कोई नया सर्कुलर हो, उसको भी इस फेसबुक पेज के जरिए साझा करा जाए। साथ ही साथ किसी विद्यालय में कोई अच्छा कार्य बच्चों द्वारा कराया गया, जैसे अभी हाल में ही हमारे जनपद के एक विद्यालय की पीटी करते हुए बच्चे, योग अभ्यास करते हुए बच्चों का वीडियो वायरल हुआ था। बहुत ही सुखद अनुभव था वो देख के। जब दूसरे प्रदेश के मेरे मित्रों ने वो वीडियो मुझे भेजा
और पूछा कि आप जनपद भदोही में ही है और ये आपके जनपद का ही वीडियो दूसरे प्रदेशों तक पहुंचा था। तो इस तरह के अच्छे कार्य जो शिक्षकों के माध्यम से बच्चों द्वारा करे गए हैं उनको भी इस फेसबुक पेज पर साझा किया जाए। अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूं तो उसके माध्यम से भी इसी तरह के अच्छे कार्यों को साझा करना चाहिए। हमारे कुछ शिक्षक बहुत ही नवीन प्रणाली से नवाचार करते हुए अलग अलग चीजों में अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ के विद्यालयों में मीना मंच बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है। कुछ शिक्षकों ने बाल सांसद अपने विद्यालय परिसर में बहुत अच्छा कराया। कुछ शिक्षकगणों ने खेलकूद की गतिविधियां बहुत ही सराहनीय तरीके से कराई हैं। अभिभावक और शिक्षकों का जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है उसको कुछ शिक्षकों ने बहुत ही नवीन रूप दिया है। मैं चाहूंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनपद भदोही की एक अलग पहचान ये सभी शिक्षकगण और पीईओस मिलकर बनाए। आज एक और नई चीज जो जनपद हरदोई में हम लोग शुरुआत करा रहे हैं, मैं माननीय जनप्रतिनिधिगण को भी इससे अवगत कराना चाहूंगा। सुपर 100 के नाम से हम एक नई सोच जनपद के सामने ला रहे हैं। क्या है सुपर 100? जैसे मैंने कहा, हर क्षेत्र में ऐसे शिक्षक मौजूद हैं जो अपनी प्रतिभा से, अपने दृढ़ संकल्प से, अपने पढ़ाने के तरीके से क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनका प्रभाव सिर्फ उस स्कूल तक सीमित ना रहे। हमने हर ब्लॉक से इस तरह के 5 शिक्षक चुने। ये सभी शिक्षक अलग अलग विषयों के लिए हैं। यानी अब हमारे पास पूरे जनपद में 100 ऐसे शिक्षक हैं जिनको आज हम सुपर 100 के नाम से अलंकृत कर रहे हैं, जो अलग अलग विषयों के हैं, जिनका पढ़ाने का तरीका अलग है, रोचक है और जो बच्चों के बीच शिक्षा को एक नए तरीके से ले जा सकते हैं।